शिवनारायण दुबे कल्याण से, कान 15 साल से। राहुल दुबे, इनके कान में मतलब प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सुन नहीं पा रहे थे। बहुत सारी अड़चने थी, जैसे कि पहले तो इनके व्यवसाय पे ज़्यादा असर पड़ रहा था, प्लस अगर हमको कुछ बातें मतलब पर्सनल बोलनी पड़ती थी तो भी हम बोल नहीं पाते थे। मतलब कोई जिसके बारे में बोलना है वो सुन लेता था, लेकिन ये नहीं सुन पाते थे। तो मतलब कोई धीरे से बात जो होती है वो हम नहीं कर पाते थे इनसे। वैसे देखा जाए तो 3-4 डॉक्टर को तो दिखाए हैं टेम्प्रोरी, प्लस चंडी रोड में डॉक्टर एबीआर देसाई के पास हमने एक ऑपरेशन करवाया 2010 में आई थी। दूसरे कान में डॉक्टर एबीआर देसाई सर बोले कि वो कान का जो नसें हैं वो एकदम से चिपक गई हैं, तो उसका ऑपरेशन करके भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, पैसा वेस्ट जाएगा, तो इससे अच्छा कि जो कान थोड़ा बहुत ठीक है तो उसको हम और ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपके बारे में, हमारे यहाँ सूरत में हमारे भाई साहब रहते हैं, हमारे मतलब पिताजी के भाई के लड़के, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मतलब आपका नाम लिया उन्होंने और ये ठीक करते हैं, ऐसा आपका एडवर्टाइज उन्होंने देखा था, तो उन्होंने ही बताया और फिर उसके बाद पिताजी ने कॉन्टेक्ट किया आपसे। अच्छा लगा। तो जब भी मैं यहाँ पे आया उसके बाद जो इनका ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट के बाद भी तो लग रहा है कि मतलब सुन ले रहे हैं थोड़ा बहुत। देसाई साहब को फाइल लाया हूँ, तो देखा आपने, बहुत अच्छा लगा, आशीर्वाद बहुत बढ़िया है, आशीर्वाद है कि ठीक हो गया, फिर यहाँ बाहर की लाइन लग जाएगी। वीडियो देखने वाले लोगों को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिन लोग अपने कान से परेशान हैं, जिन लोग को ऐसा लगता है कि नहीं मेरा कान ठीक नहीं हो सकता है, यहाँ भटकने से बेहतर है कि यहाँ पे आए एक बार और अपना इलाज कराए और उसका जो रिजल्ट आता है वो एक बार देख ले, क्योंकि एलोपैथी का इलाज कराने जाएंगे तो वहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और प्लस इस बात की कोई गारंटी भी नहीं होती है कि जो मतलब ऑपरेशन होगा तो सक्सेस ही हो, क्योंकि हमारे पिताजी ने ऑपरेशन करवाया है और ऑपरेशन कराने के बाद कुछ दिन तक वो ठीक रहे और उसके बाद फिर उनको प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था। तो आयुर्वेदिक इलाज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता ही है, तो बस ये लोगों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बार आके अपना इलाज कराने का।